हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश अलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फोर्थ यूनिट यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट कम्प्लीट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सिलेबस में प्रेजेंट फिफ्थ यूनिट यानी कि न्यूमेरिकल मेथड की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम आज एग्जाम्पल्स ऑन बायसेक्शन मेथड देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल मेथड ये हमारे सिलेबस का आखिरी यूनिट है यानी कि फिफ्थ यूनिट है और सिलेबस में हमें इस यूनिट के लिए 14 मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें इस यूनिट पर 20 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पेपर में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 में और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन 6 में, यानी कि टोटल 20 मार्क्स तक क्वेश्चन इस यूनिट पर पूछे जाते हैं। इस यूनिट में दोस्तों दो चैप्टर है। पहला चैप्टर है यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस और दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये दो चैप्टर हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल डिपेंडिंग अपॉन वेदर एफ ऑफ एक्स इज प्योरली अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स और कंटेन्स एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक और लॉगरिथमिक टर्म्स। तो दोस्तों, जैसा कि हमने फंक्शन चैप्टर में टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हैं तो उसमें हमने डेफिनेशन देखी है अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। अगर इस इक्वेशन में प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल हो तब उस वक्त हम इस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं दोस्तों, अलजेब्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। और अगर इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन में एक्सपोनेंशियल टर्म हो या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म हो या फिर लॉगरिथमिक टर्म हो तब उस वक्त हम इस फॉर्म को क्या कहेंगे, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म कहेंगे यानी कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहेंगे। तो अगर इस फंक्शन में पॉलिनोमियल हो तो इसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे और एक्सपोनेंशियल या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक या फिर लॉगरिथमिक टर्म हो तो हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। और अगर ये दिया गया इक्वेशन अलजेब्रिक हो तो उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। नॉर्मली देयर आर मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस बट फॉर हायर डिग्री एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन अलजेब्रिक मेथड्स आर नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों, हमने 10th क्लास तक अलजेब्रिक इक्वेशन के यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर क्यूबिक इक्वेशन हो तो उन्हें सॉल्व करने के सभी मेथड देखे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 2-3 मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और क्यूबिक मेथड हम सिंथेटिक डिवीजन इस मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दिया गया इक्वेशन ये हायर डिग्री का हो या फिर वो इक्वेशन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो तो अलजेब्रिक मेथड्स हमारे पास उसके लिए अवेलेबल नहीं है। फॉर दिस वी नीड टू यूज न्यूमेरिकल मेथड, और इसीलिए हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड की ज़रूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल मेथड्स आर ऑफ रिपीटेटिव नेचर। तो न्यूमेरिकल मेथड्स दोस्तों ये क्या होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम प्रोसेस वेयर एट ईच स्टेप द रिजल्ट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेप इज यूज्ड, दिस इज नोन एज इटरेशन प्रोसेस। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या किया जाता है दोस्तों, रिपीटेड एग्जीक्यूशन होता है ऑफ द सेम प्रोसेस, यानी कि सेम प्रोसेस रिपीट की जाती है। वेयर एट ईच स्टेप द रिजल्ट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेप इज यूज्ड, तो हर स्टेप में प्रीसीडिंग स्टेप का रिजल्ट यूज किया जाता है और वो प्रोसेस रिपीट की जाती है बार बार, दिस इज नोन एज इटरेशन प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इटरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड में इटरेशन प्रोसेस ये क्या होती है दोस्तों,
तो हर स्टेप में प्रिसीडिंग स्टेप का रिजल्ट यूज़ करके वही स्टेप बार बार रिपीट की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इटरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें दोस्तों तीन मेथड्स पढ़नी है जिनका यूज़ हमें अल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं बाइसेक्शन मेथड को। तो देखते हैं बाइसेक्शन मेथड किसे कहते हैं और उसके स्टेप्स क्या क्या है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट मेथड है हमारी बाइसेक्शन मेथड। दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट इटरेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो दोस्तों ये बहुत सिंपलेस्ट इटरेटिव मेथड है जिसमें हमें रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना होता है जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होता है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि दो पॉइंट के बीच में का अगर हमें रूट फाइंड करना हो तो इस मेथड का हमें यूज़ करना होता है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस देन देर इज़ अ रूट बिटवीन ए एंड बी। अगर एफ ऑफ एक्स ए फंक्शन कंटिन्यूअस हो बिटवीन ए एंड बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी ए दोनों अपोजिट साइन वाले हो, तब उस वक्त उस इक्वेशन का रूट ए और बी के बीच में होता है। तो इस तरह से ये मेथड काम करती है। तो आइए देखते हैं इसके स्टेप्स क्या क्या है, इसकी प्रोसीजर क्या है। सपोज़ हमें एक अल्जेब्रिक इक्वेशन दिया गया है जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में है, तो हमें उस वक्त फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करनी होती है, फाइंड एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी टू वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करनी है फर्स्ट स्टेप, तो उस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इस दिए गए इक्वेशन में से हमें एफ ऑफ एक्स को सेपरेट लेना है और उस फंक्शन में हमें एक्स इक्वल टू जीरो वन टू थ्री ये इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर x इक्वल टू माइनस वन माइनस टू इस तरह से वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है और हमें चेक करना है कि किन दो वैल्यू पर उस फंक्शन की वैल्यू अपोजिट आ रही है, यानी कि हमें x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी ये दो वैल्यूज फाइंड करने हैं जिनके लिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइन वाली होनी चाहिए, यानी कि एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू निगेटिव इस तरह से। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप करनी है, रूट लाइज बिटवीन एक्स इक्वल टू ए कॉमा एक्स इक्वल टू बी देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट इज गिवन बाय एक्स वन इक्वल टू फार्मूला ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। अगर हमें फर्स्ट स्टेप में एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी ये दोनों ऐसे वैल्यू मिल जाती है जिनके लिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये दोनों अपोजिट साइन वाले हैं, तब उस वक्त हम कह सकते हैं कि उस इक्वेशन का रूट ये लाइज होता है बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, और उसके बाद फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है बाइसेक्शन में, एक्स वन इक्वल टू होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, यानी कि इन दोनों वैल्यू के एडिशन डिवाइडेड बाय टू। तो इस तरह से हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द टू वैल्यूज ए एंड बी। अब उसके बाद हमें तीसरी स्टेप यहाँ पे क्या करनी है, कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ बाइसेक्टिंग द इंटरवल डिपेंडिंग अपॉन एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव और निगेटिव टिल द वैल्यू ऑफ एक्स गेट्स नियरली रिपीटेड और वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज वेरी मच क्लोज टू जीरो। तो हमें यहाँ पे तीसरी स्टेप क्या करनी है दोस्तों, कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने के बाद हमें यही प्रोसेस कंटिन्यू करते जाना है, यानी कि बाइसेक्टिंग द इंटरवल डिपेंडिंग अपॉन एफ ऑफ एक्स वन इज पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है या निगेटिव मिल रही है उस पर डिपेंडिंग अपॉन हमें यहाँ पे क्या करना है कि यही बाइसेक्शन की प्रोसेस हमें कंटिन्यू करते जाना है जब तक हमें एक्स की वैल्यू ये रिपीटेड नहीं मिल जाती या फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये क्लोजर एंड क्लोजर ऑफ जीरो तक नहीं पहुंच जाती तब तक। इस तरह से हमें ये तीन स्टेप फॉलो करने हैं बाइसेक्शन मेथड में। तो दोस्तों इस मेथड पर दो मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपको कभी कभी इस पर थ्री मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो लाइज बिटवीन टू एंड थ्री। तो इस तरह से दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस इक्वेशन का रूट ये टू और थ्री के बीच में लाई होता है ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर में हमें यहाँ पे पहले लिखना है दिया गया इक्वेशन, यानी कि हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस इक्वेशन में प्रेजेंट ये जो लेफ्ट हैंड साइड है तो इसे हम कंसिडर करेंगे
देखेंगे एफ ऑफ एक्स, तो हमने इसके बाद देखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी a और b की वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ पे सिर्फ प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का रूट ये इन दोनों वैल्यू के बीच में लाए होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू हम पहले लेंगे 2 और वो वैल्यू हम इस एफ ऑफ एक्स इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें ये भी दोनों वैल्यू क्या मिल जाएंगे, अपोजिट साइन वाले अगर मिल जाते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का रूट ये 2 और 3 के बीच में लाए होता है। तो हम यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे हियर एफ ऑफ 2 इक्वल टू, तो हम पहले यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो किस तरह से हम करेंगे दोस्तों, तो सिंपली इस एफ ऑफ एक्स के इक्वेशन में हम एक्स की जगह पे रखेंगे 2, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 प्लस 1। अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, माइनस 9 मिलेगी। ओके, और ये वैल्यू क्या है दोस्तों, नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 0। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एफ ऑफ 3, तो देखिए एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 प्लस 1। और अगर हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, अपोजिट साइन वाली आ रही है, क्योंकि एफ ऑफ 2 की वैल्यू नेगेटिव है और एफ ऑफ 3 की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का रूट ये 2 और 3 के बीच में लाए होता है, या फिर इस इक्वेशन का रूट ये इंटरवल 2, 3 के बीच में लाए होता है। तो हम इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो इस तरह से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो इस चैप्टर में हम जो ये 3 मेथड देखने वाले हैं, पहली मेथड बाइसेक्शन मेथड, उसके बाद न्यूटन रैप्सन मेथड और तीसरी मेथड रेगुला फालसी मेथड। तो उन तीनों मेथड के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, तो यही फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप हमें इन तीनों मेथड में क्या करनी होती है कि सबसे पहले हमें उस दिए गए इक्वेशन का रूट किस इंटरवल में या फिर किन दो वैल्यू के बीच में लाए होता है, ये हमें फाइंड करना होता है। तो यही प्रोसेस हमें उन तीनों मेथड में सबसे पहले करनी होगी। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 1, 2 बाई यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन ब्रैकेट ओनली 1 इटरेशन। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 1 इटरेशन परफॉर्म करना है और बाइसेक्शन मेथड का यूज करके हमें इस इक्वेशन का रियल रूट फाइंड करना है। तो देखते हैं हमें यहाँ पे किस तरह करना होगा। आंसर में हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया गया इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये दिया गया इक्वेशन लिखने के बाद हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 9। अब क्वेश्चन में देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे इंटरवल दी गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यूज हमें दी गई है इन दोनों वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि हम एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। या फिर हम किस तरह से कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू पहले हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद 2 सब्स्टिट्यूट करके फिर चेक करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हियर कॉमा। तो सबसे पहले हम एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 0 प्लस 0 माइनस 9, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेगी -9, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू हमें मिल रही है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे एफ ऑफ 1 की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 क्या होगा दोस्तों, 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 माइनस 9, और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, -4 मिलेगी। तो ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 0। अब इसके बाद हम चेक करेंगे एफ ऑफ 2 की वैल्यू, तो हम इसके बाद लिखेंगे एफ ऑफ 2 इक्वल टू, तो हमें एफ ऑफ 2 यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 माइनस 9, और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी
इक्वल टू 7, और ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 0। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू निगेटिव आ रही है और एफ ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इस इक्वेशन का रूट ये 1 और 2 के बीच में लाए होता है, यानी कि इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट ये इस इंटरवल में लाए होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर रूट लाइज इन द इंटरवल 1, 2। तो इस तरह से हमें ये लिखना है। तो जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप हमें तीनों मेथड में करनी होती है। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एक इटरेशन परफॉर्म करना है, तो हम यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। बाइसेक्शन मेथड x1 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a+b/2। तो यहाँ पे दोस्तों a क्या है 1 है और b क्या है 2 है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन, इस तरह से हमें यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a और b की और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x1 इक्वल टू 1+2/2। तो यहाँ पे 1+2 हो जाएगा 3, और उसे अगर हम 2 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 1.5। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि अप्रॉक्सीमेट रूट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी x=1.5। तो हम यहाँ पे नीचे इस तरह से भी लिख सकते हैं द अप्रॉक्सीमेट रूट आफ्टर 1 iteration = 1.5। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0 यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड इन ब्रैकेट कैरी आउट 3 iterations (). तो ये है दोस्तों क्वेश्चन, 3 marks के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें इस क्वेश्चन में एक अल्जेब्रिक इक्वेशन दिया गया है, हमें इस अल्जेब्रिक इक्वेशन का रियल रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे लेट f(x) = इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि x³ - 2x - 5। तो ये हो जाएगी दोस्तों f(x) की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा कि इस अल्जेब्रिक इक्वेशन का रूट ये किन दो वैल्यू के बीच में लाइज होता है, यानी कि हमें इंटरवल फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस f(x) के वैल्यू में x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे 0, 1, 2, 3, और हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि किन दो वैल्यू के लिए हमें इस फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन वाली मिल रही है, ये हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमा f(0) की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, यानी कि हम x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फंक्शन में। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 0 - 0 - 5, यानी कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी -5। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे f(1) की वैल्यू, तो हमें यहाँ पे f(1) क्या मिलेगा, देखिए 1³ - 2 × 1 - 5, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा -6। अब ये दोस्तों निगेटिव वैल्यू है। अब नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं, अब हम कैलकुलेट करेंगे f(2), तो हमें यहाँ पे f(2) मिलेगा 2³ - 2 × 2 - 5, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेगी -1। दोस्तों ये भी निगेटिव आ रही है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि f(3). तो देखिए यहाँ पे f(3) क्या होगा, 3³ - 2 × 3 - 5, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 16, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। और f(2) की वैल्यू दोस्तों -1 थी, यानी कि निगेटिव थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, f(2) की जो ये वैल्यू आ रही है इसे हम लिखेंगे <0, और इस वैल्यू को हम लिखेंगे > 0। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो अपोजिट साइन वाले वैल्यूज किस x के वैल्यू के लिए आ रही है, 2 और 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रूट लाइज इन द इंटरवल 2, 3, यानी कि 2 और 3 इन दो वैल्यू के लिए इस दिए गए फंक्शन की वैल्यू ये अपोजिट साइन वाली आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द रूट लाइज इन द इंटरवल 2, 3, यानी कि इसका मतलब हमारे दिए गए इक्वेशन का रूट ये 2 और 3 के बीच में लाइज होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे बाइसेक्शन मेथड x1 = फॉर्मूला क्या होता है,
a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन, इस तरह से हमें यहाँ पे हेडिंग लिखना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 इक्वल टू, अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a और b की, यानी कि 2 और 3। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 2.5। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि इस x1 की वैल्यू पर f ऑफ x1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है या निगेटिव आती है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे f ऑफ 2.5, यानी कि हमें दिए गए फंक्शन में x की जगह पे 2.5 सब्स्टिट्यूट करके ये चेक करना है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वल टू 2.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5। अब ये कैलकुलेशन हम कैलसी में कर लेंगे तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 5.625, और हम ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 0। और पिछले स्टेप में हमें किस x के वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिल रही थी दोस्तों, 2 इस वैल्यू के लिए, यानी कि f ऑफ 2 की वैल्यू वहाँ पर निगेटिव थी, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे एंड f ऑफ 2 इज लेस देन 0। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा दोस्तों, देयर फॉर रूट लाइज इन द इंटरवल 2, 2.5, यानी कि इसका मतलब 2 इस x के वैल्यू के लिए ये फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही थी और 2.5 इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू ये पॉजिटिव आ रही है। तो हमारा नेक्स्ट रूट ये इन दो वैल्यू के बीच में लाइज होगा, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे देयर फॉर रूट लाइज इन द इंटरवल 2, 2.5। अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम ये वैल्यू लेंगे ए और बी की। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सेकंड इटरेशन। अब हमें यहाँ पे x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x2 इक्वल टू, फार्मूला में हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 2.25। अब इसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कि इस x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है या निगेटिव। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयर फॉर एफ ऑफ एक्स टू इक्वल टू, यानी कि एफ ऑफ 2.25 इक्वल टू, हमें यहाँ पे मिलेगा 2.25 ब्रैकेट का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.25 माइनस 5। अब इसका हम कैलकुलेशन अगर करें तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.89, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 0। और पिछले स्टेप में हमें x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिल रही थी दोस्तों, 2 इस वैल्यू के लिए। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे एंड f ऑफ 2 इज लेस देन 0, यानी कि x के इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है और x के इस वैल्यू के लिए, यानी कि 2.25 इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो हमारा नेक्स्ट रूट ये किस इंटरवल में लाइज होगा, 2, 2.25। तो हम इस तरह से लिखेंगे देयर फॉर रूट लाइज इन द इंटरवल 2, 2.25। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सेकंड इटरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे थर्ड इटरेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह से लिखेंगे हेडिंग थर्ड इटरेशन। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ x3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x3 इक्वल टू, तो फार्मूला में हम a और b की जगह पे ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय 2। और इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू 2.125। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट आफ्टर थर्ड इटरेशन। इसके बाद हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ थर्ड इटरेशन तक ही परफॉर्म करना था। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे हेंस कॉमा आफ्टर थर्ड इटरेशन रियल रूट इज 2.125। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है और अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करना है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में जितने भी इटरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जाए उतने आपको यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड कॉमा फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू 1 इन द इंटरवल 0, 1 इन ब्रैकेट कैरी आउट 3 इटरेशंस। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन।
तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया है और इंटरवल भी दी गई है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन का रूट हमें इस इंटरवल के बीच में फाइंड करना है, और हमें यहाँ पे 3 इटरेशंस परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, यानी कि हमें x3 तक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। आंसर में हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज x(e^x)=1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड के 1 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन मिलेगा देयरफॉर x(e^x)-1=0। अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम कंसिडर करेंगे f(x), तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लेट f(x)(x)-1। तो इसे हमने f(x) कंसिडर किया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी इंटरवल दी गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस f(x) के वैल्यू में x के जगह पे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 और उसके बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। तो हम इस तरह से लिखेंगे हियर कॉमा f(0)=2। तो देखते हैं f(0) की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलती है, =0(e^0)-1। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी -1, जो कि निगेटिव वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे <0>। अब इसके बाद में हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे f(1), क्योंकि हमें इंटरवल में सेकंड वैल्यू दी गई है 1, इसीलिए तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे f(1)=, तो हमें यहाँ पे f(1) की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए =1(e^1)-1। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस f(x) के इक्वेशन में x के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है 1, और इसका अगर हम कैलकुलेशन करें कैलसी में, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1.718, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे >0। अब देखिए यहाँ पे x के इन दो वैल्यूज़ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू ये अपोजिट साइन वाली आ रही है, यानी कि f(0) की वैल्यू ये <0> आ रही है और f(1) की वैल्यू ये >0> आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे दिए गए इक्वेशन का रूट ये इस इंटरवल में लाइज होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रूट लाइज इन द इंटरवल 0,1। ओके, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग फर्स्ट इटरेशन। तो यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, x1=होता है a+b/2। तो इस तरह से हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे और इस फार्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a और b की, यानी कि 0 और 1। तो हमें यहाँ पर x1=2 मिलेगा 0+1/2, और इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलेगी 0.5, यानी कि x1 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 0.5। तो इसके बाद हमें यहाँ पे आप क्या करना होगा, f(x)1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी सेकंड इटरेशन के लिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिखेंगे f(x)1, यानी कि हमें f(0.5) की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, 0.5(e^0.5)-1, और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें कैलसी में, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा −0.175, यानी कि निगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे <0>। तो यहाँ पे देखिए f(x)1 की वैल्यू <0> आ रही है, और पिछले स्टेप में दोस्तों किस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, 1 इस वैल्यू के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड f(1>0। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों f(0.5 ये निगेटिव आ रहा है और f(1) ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा नेक्स्ट रूट ये किस इंटरवल में लाइज होगा दोस्तों, 0.5,1। ओके, तो हम यहाँ पे ये सेंटेंस लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली हम यहाँ पे सेकंड इटरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड इटरेशन, इस तरह से हम हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू x2 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x2=, डायरेक्टली हम फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें यहाँ पे इस तरह से मिलेगा =0.5+1/2, और इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 0.75। तो ये है दोस्तों x2 की वैल्यू। अब थर्ड इटरेशन के लिए हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे f(x)2 की वैल्यू। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं f(x)2=, यानी कि f(0.75=, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए वैल्यू 0.75 × e^0.75-1, और इसका अगर हम कैलकुलेट
कैलकुलेशन करें कैलसी में, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 0.5877, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर दैन ज़ीरो। और पिछले इटरेशन में किस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही थी दोस्तों, 0.5 इस वैल्यू के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड एफ ऑफ 0.5 इज लेस दैन ज़ीरो। तो इसका मतलब हमारा नेक्स्ट रूट ये किस इंटरवल में लाइज होगा दोस्तों, 0.5, 0.75। तो हम इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर रूट लाइज इन द इंटरवल 0.5, 0.75, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ 0.5 की वैल्यू ये लेस देन ज़ीरो है और एफ ऑफ 0.75 की वैल्यू ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि अपोजिट साइन वाले है इसीलिए। अब इसके बाद में हम परफॉर्म करेंगे लास्ट इटरेशन यानी कि थर्ड इटरेशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग थर्ड इटरेशन, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू यक्स थ्री की। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे यक्स थ्री इक्वल टू बाइसेक्शन मेथड के फार्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए और बी की, यानी कि ये दो वैल्यू, तो हमें यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा 0.5 + 0.75 / 2। अब इसका हम कैलकुलेशन करें तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 0.625। तो ये हो जाएगी दोस्तों यक्स थ्री की वैल्यू। और हमें क्वेश्चन में सिर्फ थर्ड इटरेशन तक ही परफॉर्म करना था, तो हम इसके बाद आंसर लिखेंगे हेंस आफ्टर थर्ड इटरेशंस द अप्रोक्सीमेट रूट इज यक्स इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या मिल रही है वैल्यू 0.625। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अप्रोक्सीमेट रूट आफ्टर थर्ड इटरेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो 3 मार्क्स के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड का, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड कॉमा फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9x - 1 = 0 इन द इंटरवल 3, 4 फुल स्टॉप 3 iterations ओनली। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक इक्वेशन दिया गया है और हमें यहाँ पे इंटरवल ऑलरेडी दी गई है और 3 iterations परफॉर्म करने के लिए कहा गया है। तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में एक ही इटरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जाए तो वो वाला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। और अगर आपको क्वेश्चन में 2 iterations या फिर 3 iterations परफॉर्म करने के लिए कहा जाए तो वो वाला क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस 9x - 1 = 0। अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x - 1। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि एक्स के किस 2 वैल्यू के लिए हमारे इस फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन वाली आ रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी इंटरवल दिया गया है, तो हम यहाँ पे यही 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दिए गए फंक्शन में। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हियर एफ ऑफ 3 = तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, 3³ - 9 × 3 - 1। तो ये किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है, तो हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है 3, तो हमें एफ ऑफ 3 ये मिल रहा है। और इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी -1, जो कि निगेटिव वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 0। अब इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वैल्यू दी गई है 4, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ 4। तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ 4 क्या मिलेगा, 4³ - 9 × 4 - 1। और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 27, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स के इस 2 वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू ये अपोजिट साइन वाली आ रही है। तो इसका मतलब हमारे दिए गए इक्वेशन का रूट ये इस इंटरवल में लाइज होता है, यानी कि इंटरवल 3, 4। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रूट लाइज इन द
इंटरवल 3.4। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट इटरेशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में हेडिंग लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स वन इक्वल टू होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। अब इसमें हम ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि ये दो वैल्यू, तो हमें यहाँ पे मिलेगा एक्स वन इक्वल टू 3+4 डिवाइडेड बाय 2, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3.5। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में x1 की वैल्यू मिल रही है 3.5। अब इसके बाद में हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे f ऑफ x1 की वैल्यू, जिसका यूज़ हमें सेकंड इटरेशन के लिए करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे f ऑफ x1। हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू, यानी कि f ऑफ 3.5, और इसकी वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगी, f ऑफ x, इस फंक्शन में हम x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.5, तो हमें यहाँ पे मिलेगा f ऑफ 3.5 इक्वल टू 3.5 ब्रैकेट का क्यूब माइनस 9 इंटू 3.5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। और इसका अगर हम कैलकुलेशन करें कैलसी में, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 10.375, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 0। और पिछले स्टेप में हमें x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिल रही थी दोस्तों, 3 इस वैल्यू के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड f ऑफ 3 इज लेस देन 0। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि f ऑफ 3.5 की वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 है और f ऑफ 3 की वैल्यू ये लेस देन 0 है। तो इसका मतलब हमारे दिए गए इक्वेशन का नेक्स्ट रूट ये किस इंटरवल में लाइज होगा दोस्तों, 3.5। तो हम इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर रूट लाइज इन द इंटरवल 3.5। तो इस तरह से हमें ये ब्रैकेट में लिखना होगा इंटरवल। अब सेकंड इटरेशन हम इसके बाद परफॉर्म करेंगे, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन में हम एक्स टू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फार्मूला। तो हम इस तरह से लिखेंगे एक्स टू इक्वल टू, फार्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए और बी की, यानी कि 3 और 3.5 की, तो हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा 3+3.5 डिवाइडेड बाय 2, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें इसका आंसर मिलेगा 3.25। यानी कि सेकंड इटरेशन के बाद हमें रूट मिल रहा है 3.25, लेकिन हमें थर्ड इटरेशन तक परफॉर्म करना है, इसलिए हमें यहाँ पे आगे क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होगी। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स टू इक्वल टू, यानी कि एफ ऑफ 3.25, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, इक्वल टू 3.25 ब्रैकेट का क्यूब माइनस 9 इंटू 3.25 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 4.078, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 0। और पिछले स्टेप में हमें x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिल रही थी दोस्तों, 3 इस वैल्यू के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड f ऑफ 3 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब हमारा नेक्स्ट रूट ये किस इंटरवल में लाइज होगा दोस्तों, 3.25। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर रूट लाइज इन द इंटरवल 3.25। तो ये हो जाएगा दोस्तों इंटरवल नेक्स्ट रूट फाइंड करने के लिए। अब इसके बाद में हम करेंगे लास्ट स्टेप, यानी कि थर्ड इटरेशन। तो हम हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में थर्ड इटरेशन, और कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एक्स थ्री की। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे एक्स थ्री इक्वल टू, डायरेक्टली हम फार्मूला में ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए और बी की, तो हमें यहाँ पे इस तरह से मिलेगा 3+3.25 डिवाइडेड बाय 2, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 3.125। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अप्रोक्सीमेट रूट आफ्टर थर्ड इटरेशन। तो हम इसके बाद फाइनल आंसर लिख देंगे हेंस कॉमा आफ्टर थर्ड इटरेशन द अप्रोक्सीमेट रूट इज एक्स इक्वल टू 3.125। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अप्रोक्सीमेट रूट आफ्टर थर्ड इटरेशन। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 मार्क्स के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें क्वेश्चन में एक इटरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जाए, तो आपको एक्स वन की वैल्यू तक कैलकुलेशन करना है। अगर आपको दो इटरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जाए, तो आपको एक्स टू की वैल्यू तक कैलकुलेशन करना है। और अगर आपको
थर्ड इटरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जाए तो आपको x3 की वैल्यू तक कैलकुलेशन करना होगा। तो इस तरह से हमें ये बाइसेक्शन मेथड के एग्जांपल सॉल्व करने होंगे। तो इस मेथड के लिए इतने एग्जांपल दोस्तों काफ़ी है। इन एग्जांपल में से ही एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है या फिर आपको वैल्यू चेंज करके दी जा सकती है इक्वेशन की। तो आशा करता हूँ आपको ये बाइसेक्शन मेथड के सभी एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।